दोस्तों नमस्कार, लर्निंग बाय एपी सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम इलाहाबाद हाई कोर्ट के आरओ एआरओ का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके डिस्कशन को देखेंगे और इसी को आधार बना के आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। वैकेंसी काफ़ी ठीक ठाक मात्रा में है, लगभग 400 आरओ एआरओ की वैकेंसी हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या आया था, रीजनिंग का है। दो शब्दों जिनको अलग किया गया तथा जो एक दूसरे के साथ निश्चित संबंध रखते हैं, तो इसमें इन शब्दों को बताना है। तो इसका आंसर देख लीजिए, तर्कस। तर्कस का संबंध जिस प्रकार तीर से है, म्यान यानी तर्कस में तीर रखी जाती है, उसी प्रकार म्यान में क्या रखी जाती है, तलवार। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी पहले का आंसर डी हो जाएगा। दूसरा वाला देखते हैं, ये आपका सीरीज का क्वेश्चन है, 125 और 171। तो इसमें 125 और 171 के बीच का गैप निकालोगे तो आपका 46 आएगा, 171 और 263 के बीच का गैप निकालोगे तो 92 आएगा, उसके बाद 263 और 403 के बीच का गैप निकालोगे तो 138 आएगा, और 403 का और 585 के बीच का गैप निकालोगे तो आपका 184 आएगा। और इसी प्रकार अंतर निकालोगे तो 46 दूना 92, 46 दिया 138, 46 चौका 184, तो ये आपका 46 पंचाई 5 से मल्टीप्लाई करना, तो 5 छक्का करोगे तो ये 5 छक्का 30, 5 चौका 20, तो यहाँ ये निकालोगे तो ये आपका 5 चौका 20 और ये 5 छक्का 30, उसके बाद ऐड इसमें करोगे तो इसको हल करने पर जो आपका इसका आंसर मिलेगा ये 815 मिलेगा, यही इसमें सीरीज लगी हुई है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, 6 दोस्त जिनके नाम ए बी सी डी ई और एफ हैं, एक गोलाकार मेज पर एक दूसरे की तरफ मुख करके बैठे हुए। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, 6 मित्र हैं, तो ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन होता है, तो ये आपका बना लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6। जो इसमें एब्सोल्यूट मान होता उसको पहले आप रखिए, अब इसमें रखिए, बैठाना शुरू करिए। क्या कह रहा है, यहाँ से देखिए, जहाँ पर ये एफ ए के ठीक दाएँ है तो ए को यहाँ बैठा लीजिए, यप इसके ठीक दाएँ हैं तो यप को यहाँ बैठा दीजिए। उसके बाद फिर आगे क्या कह रहा कि, हाँ आगे देखिए, सी ए के दाएँ से चौथे स्थान पे है, सी जो है ए के दाएँ स्थान से चौथ, तो यहाँ ए है 1, 2, 3, 4, सी को हमने यहाँ बैठा दिया। सी की बात कह रहा है कि बी जो सी जो है बी व डी के बीच में कहीं है, तो बी आवलिक डी यहाँ हो सकता, बी आवलिक डी, इसका कोई फिक्स इसमें नहीं दिया गया। अब बचा कौन, ई, तो ई को यहाँ बैठा दीजिए। अब आपका सवाल पूछ रहा क्या कि कौन सा असत्य है इसकी पहचान करना, तो सी ए के ठीक और बाई ओर है, यानी सी यहाँ है, ए के ठीक ठीक बाई ओर है, नहीं, ये ए के ठीक दूसरे स्थान पर बाई ओर है, बिल्कुल ठीक बाई ओर नहीं है, ए के बाईं ओर दूसरे स्थान पे सी अगर दिया होता तो गलत, ये सही हो जाता, तो इसका आंसर हो जाएगा पहला वाला बिल्कुल सही है। इधर इंग्लिश में दिया, जिसको इंग्लिश में देखना हो इंग्लिश में देख लीजिए। आगे देखिए, नीचे दिया गया प्रश्न निम्नलिखित अक्षर संख्या प्रतीक संघ व्यवस्था पर आधारित है, इसे सावधानी पूर्वक पढ़ें और दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। ये आपका कोड में लिखा गया। अब चलो क्वेश्चन शुरू करते, निम्न में से कौन सा अक्षर संख्या प्रतीक दाएँ से तीसरे अक्षर के बाईं ओर का सातवां अक्षर, तो यहाँ दायां बायां आ जाए तो दायां बायां में प्लस करना, सेम सेम में माइनस करना है, तो दायां बायां यहाँ आया तो तीसरा 3 और प्लस ये आपका बाईं ओर से सातवां, तो बाईं ओर का 7 और प्लस करोगे कितना बन जाएगा 10, क्या बन जाएगा 10। जौन संख्या ज़्यादा हो उधर से पीछे लौटना है, तो बाईं, ये आपका बाईं ओर सातवां था तो बाईं ओर से आपको काउंट करना है, तो यहाँ से काउंट करोगे यानी टोटल 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 पे कौन दिख रहा 4, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4, इसका सही जवाब हो जाएगा बिल्कुल। 30 सेकंड का ये सवाल था। अगला, प्रूडेंट शब्द में दो अक्षरों के ऐसे कितने सेट हो सकते हैं जिनके मध्य विद्यमान अक्षर की संख्या अगर इनको अल्फाबेटिकली लगाया जाए तो उनके मध्य अक्षरों की संख्या के समान होगी, तो ये आपका प्रूडेंट, यहाँ हमने लिख दिया प्रूडेंट। अब इसको प्रूडेंट को अल्फ़ाबेट के हिसाब से लगाइए, जब अल्फ़ाबेट के हिसाब से लगाओगे तो पहले डी आएगा, फिर आपका ई आएगा, फिर आपका इसमें एन आएगा, एन के बाद पी आएगा, पी के बाद आर आएगा,
टी आएगा, यू आएगा। अब यहाँ देखिए एक पी आर, एक तो एक पी आर, एक पी आर, ये सेम सेम बन गया, एक ए बन गया। उसके बाद फिर अगला वाला देखिए, अगला वाला इसमें कौन बन रहा है, तो डी ई, डी ई एक ए बन रहा है, एक डी ई, ये दोनों में सेम बन रहा, तो कितने पेयर हुए, दो। बाकी इसमें ऐसा कोई पेयर नहीं बनेगा, तो इसका आंसर सही हो जाएगा दो, बिल्कुल नॉर्मल सवाल था। अगला देखिए, नीचे दिए गए प्रश्न में दो कथन और उसके बाद फर्स्ट और सेकंड के रूप में संख्यांकित दो निष्कर्ष दिए गए हैं। कथन और ये कारण सिलोलिज्म का सवाल है, ये बिल्कुल नॉर्मल होता है, इसको डायग्राम से, आप वेन डायग्राम से करिए। कुछ चूहे खरगोश हैं, तो ये आपका कुछ चूहा चूहे क्या हैं, खरगोश हैं, तो ये हमने बना दिया खरगोश वाला। उसके बाद आगे देखिए, कुछ खरगोश मच्छर हैं, तो ये कुछ खरगोश इधर बना दिया ये मच्छर वाला। अब आइए निष्कर्ष, कुछ मच्छर चूहे जरूर होने चाहिए, कुछ मच्छर चूहे कोई रिलेशन नहीं, ये निष्कर्ष गलत। सभी खरगोश चूहे हैं, तो खरगोश वाला ये बीच वाला, सभी खरगोश नहीं, कुछ खरगोश कहता चूहे हैं तब सही हो जाता है, ये भी गलत है। तो इसका निष्कर्ष क्या निकलेगा, यानी डी वाला चला जाएगा, ना तो एक ना तो दो, कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। आगे कंटिन्यू करते हैं, अगला वाला ये मज़ेदार क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखो इसमें दो लिखा गया, सी वर्क्स फर्स्ट को ही का टो लिखा जाता, कोड भाषा में सी लंस फर्स्ट को जो का ही लिखा जाता। तो देखो जो जो कॉमन है, तो सी सी दोनों में कॉमन है, तो सी सी कॉमन इसको काटिए। और दोनों में देखिए सी सी कॉमन है, तो दोनों में क्या कॉमन है उसको काटिए। तो दोनों में कॉमन आपका, यानी सी सी कॉमन है वो फास्ट फास्ट कॉमन, तो इसको काट दिए, और दो को दो कॉमन काट दीजिए, ही काट दीजिए, दोनों में कॉमन है। और उसके बाद के काट दीजिए। अब आगे पूछ रहा इसमें वाक्स बचा, तो वाक्स के लिए किसकी, वाक्स के लिए क्या लिखा जाएगा, वाक्स के लिए टी वो टू लिखा जाएगा। अगर लंच का पूछता कोड क्या होगा, तो लंच के लिए क्या बचा, तो ये जे ओ जो लिखा जाता। लेकिन ये सवाल नहीं पूछ रहा, ये आंसर पूछ रहा कि इसके लिए कौन से डेटा की ज़रूरत होगी। तो जब तक दोनों डेटा फर्स्ट और सेकंड वाला ये कोड भाषा दोनों स्टेटमेंट नहीं होंगे, तब तक हम आंसर वाक्स का कोड आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो इसका आंसर हो जाएगा, यानी दोनों डेटा सफिशियंट हैं, यानी कथन, यदि कथन ए और कथन दोनों डेटा का प्रश्न का उत्तर देने के लिए जरूरी है, तभी आंसर निकलेगा। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। इस टाइप का ब्लड रिलेशन का सवाल पीछे हम करवा चुके हैं, इसमें जब भी आए तो ये जैसे ऐसे लिख लीजिए, क्रॉस दर्शाता है रिलेशन किसका, बेटी का, और उसके बाद प्लस दर्शाता है रिलेशन पिता का, ऐसे लिख लीजिए। उसके बाद आपका डिवाइड दर्शाता है रिलेशन भाई का। उसके बाद अगला भाई हो गया, नहीं सॉरी माँ हो गया, ये माँ का है। डिवाइड वाला दर्शाता है माँ का रिलेशन, और ये उसके बाद माइनस वाला दर्शाता भाई का। अब ये पीछे से इसको शुरू करोगे और पीछे से इसको हल करोगे, ये सब रिलेशन दर्शाते हुए, यानी ई क्रॉस वाला है, तो इसमें आप इसको लिखोगे ई यफ की क्या है, तो यहाँ क्रॉस वाला बेटी है, तो ई यफ की बेटी है ई, तो ई नीचे रहेगी माइनस, यब की बेटी है तो यब को ऊपर बनाओ। उसके बाद फिर आपका क्या है माइनस, और माइनस हमने यहाँ कहाँ लिखा है, ये लास्ट वाला माइनस भाई, माइनस भाई दर्शाता, तो इसका मतलब क्या हुआ, सी ई का भाई है, सी ई का भाई है, तो सी ए प्लस हो गया, ये हमने बना दिया भाई है। उसके बाद प्लस, प्लस वाला क्या दर्शाता, पिता, यानी बी सी का पिता है, बी सी का पिता है, बी सी का पिता है, तो बी बी जो है ऊपर होगा, ए सी का पिता, ए प्लस आ जाएगा। इसके बाद आगे क्या बता रहा, उसके बाद आपका भागा, भागा किसका रिलेशन दर्शाता है, तो भागा वाला भाई का, नहीं भागा वाला माँ का, माँ का, भागा वाला माँ का रिलेशन दर्शाता, तो ए भागा बी, तो ए भागा बी का आप लिखोगे ए, यानी इसमें आइए, तो कहाँ गया आपका सवाल, हाँ ये वाला, ए बी का, ये बी की माँ है, ए बी की माँ है, तो यहाँ आपका क्या ए हो जाएगा, और ये आपका माँ है तो माइनस हो जाएगा। अब यहाँ से रिलेशन यहाँ देखो, तो इसकी यफ ए और यफ के रिलेशन आपका देखने से लग रहा होगा ये आपका सेम सेम, यानी भाभी भी नहीं होगा, बहू भी नहीं होगा, चाची और सास में से देखिए क्या होगा, तो ये आपका बी प्लस है, तो इसकी क्या हो जाएगी, ये आपकी क्या है, सास ही होगी ये, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये सास का रिलेशन आएगा, तो इसका पहला वाला बिल्कुल सही जवाब आएगा, पहला ये पहला आंसर सास वाला इसका सही मदर इन लॉ हो जाएगा। अगला ब्रेकिंग को
ये लिखा जाता है, तो इसको आप इसको लिखोगे कोडिंग में, इसका आर्डर देखोगे तो सीधे इसको आप रखिएगा मदरली को, ये सेकंड वाला इसका डी ऑप्शन सही आ जाएगा। नॉर्मल ही क्वेश्चन पूछ रहा, अगला पूछ रहा है, देखो ये भी आपका नॉर्मल ही सवाल है, रीजनिंग का है कि ये आपका एक संख्या ये लिख दी गई में कौन सा उपर्युक्त क्रम में बाएँ किनारे से सातवीं अक्षर, तो बाएँ किनारे से शुरू करिए, तो बायां किनारा सातवां, तो यहाँ गिनिए एक, ये दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ तक काट दिए। उसके बाद फिर क्या कह रहा कि दाएं किनारे से नौवें अक्षर, तो ए इसको काटिए, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, काट दिए। अब इसके बीच देखिए कितने बच रहे हैं, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, सात बज रहा, और सात में का बीच का निकालोगे तो एक प्लस करके निकाला जाता आठ, यानी चौथा अक्षर आना चाहिए। चौथा किसी से टाइप से भी गिन लीजिए, तो टी एक, वी दो, जेड तीन, तो यहाँ चौथा अक्षर बीच वाला क्या आ जाएगा, नौ, तो इसका सही जवाब क्या आ जाएगा, नौ। बिल्कुल नॉर्मल सवाल है। आगे आइए, यहाँ छवि ये इसको पलट दिया गया है, जो ये वाला यहाँ ये फिगर था इसको इसमें पलटा गया, तो इसको पलट दीजिए, सीधे सी वाला इसमें आंसर आ जाएगा। आगे देखते हैं, वोकैबुलरी शब्द के अक्षरों का उपयोग करके निम्न में से कौन शब्द नहीं बनाया जा सकता, तो बी वाला ऑप्शन बाई ऑप्शन इसको लिख लीजिए। यहाँ वोकैबुलरी में ई नहीं आया, तो ये वाला केवल नहीं बन सकता, बाकी बन सकते हैं, सीधे आंसर मारिए। तो ये रीजनिंग के थे, तो आपने रीजनिंग का देखा, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन ये रीजनिंग के पूछा था। आगे अब इसमें जीएस के क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किन राज्यों की सीमा उत्तर प्रदेश के साथ लगी हुई है, तो उत्तर प्रदेश का वीडियो हमने स्पेशल एक बना रखा है, उसको आप देख लीजिए, वहाँ पर बायट्रिक आपको बताए हैं कि उत्तर प्रदेश के साथ सीमा किसकी लगती, छत्तीसगढ़ से सोनभद्र टच करता, झारखंड से भी सीमा लगती है, राजस्थान से आगरा और मथुरा, हिमाचल प्रदेश से सहारनपुर, तो पहला वाला इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के किस शहर को भारत की सांस्कृतिक राजधानी, तो ये बनारस को भारत की सांस्कृतिक राजधानी के नाम से जाना जाता है। चार सिरों वाला सिर ये सारनाथ में है, जिसको राजचिन्ह के रूप में अपनाया गया। इसे पूछा जा सकता है कि मुंडकोप उपनिषद से लिया गया, जो सारनाथ का शोक स्तंभ, सारनाथ का शोक स्तंभ है। निम्नलिखित में से किसने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना मदन मोहन मालवीय के द्वारा की गई थी। निम्नलिखित में से किस शहर में उत्तर प्रदेश की एकमात्र ऑयल रिफाइनरी स्थित है, तो ऑयल रिफाइनरी उत्तर प्रदेश के कहाँ स्थित है, तो ये आपका उत्तर प्रदेश में है मथुरा, मथुरा में भारत उत्तर प्रदेश की एकमात्र ऑयल रिफाइनरी स्थित है, बाकी बरौनी ये सब आपका आगरा और कानपुर में नहीं है। अगला शहर उनकी विशिष्टताओं का सही मिलान करा के बताना, मुरादाबाद पीतल के बर्तन के लिए जाना जाता है, तो पहला तो ये गलत है, फिरोजाबाद कांच की चूड़ियाँ के लिए जाना जाता सही है, कानपुर ये गलत ये भी दिया है, क्योंकि कानपुर चमड़े के कपड़े या उसके लिए उत्पाद के लिए जाना जाता, बनारस जो है करघा और हस्तशिल्प के लिए जाना जाता, तो इसका सही जवाब दो और चार हो जाएगा, दो और चार यानी इसका सी बिल्कुल सही जवाब जाएगा। गोविंद बल्लभ पंत के बारे में क्या सही है, गोविंद बल्लभ पंत के बारे में सही है कि उत्तर प्रदेश के प्रथम क्या थे, गोविंद बल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के प्रथम क्या थे, उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे। आगे अगला देखते हैं, मिर्जापुर भदोही और खमरिया में निम्नलिखित में से किस वस्तु का निर्माण होता है, तो यहाँ पर कालीन, मिर्जापुर की कालीन, भदोही की कालीन, ये सब कालीन के लिए जाने जाते हैं, इसका आंसर भी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा में कुल कितने सदस्य हैं, तो ये 403 प्लस एक एंग्लो इंडियन, इस एंग्लो इंडियन को समाप्त कर दिया गया है, तो एक संविधान संशोधन अभी किया गया, 104वें संविधान संशोधन से इसको समाप्त कर दिया गया एंग्लो इंडियन, तो अब 403 बचे हैं। ध्यान रखिएगा जो अनुच्छेद 333 के अनुसार विधानसभा में जो एक एंग्लो इंडियन नियुक्त किया जाता था राज्यपाल के द्वारा, वो अब समाप्त हो चुका है। इसके अलावा जो 331 के अंतर्गत लोकसभा में दो एंग्लो इंडियन होते थे, उनको भी समाप्त कर दिया गया, तो ये भी एग्रीकल्चर वाले एग्जाम में पूछा गया था, ठीक। और SC ST का जो रिजर्वेशन था लोकसभा में, इसको अगले 10 वर्षों के लिए और इंक्रीज कर दिया गया है, 2020 में समाप्त हो रहा था, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 403 प्लस एक नामित किया जाता, ये आंसर हो जाएगा। अगला, स्वतंत्र भारत के उत्तर प्रदेश के पहले गवर्नर कौन थे, तो पहले गवर्नर सरोजिनी नायडू थी, सरोजिनी नायडू।
उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय ने कैसे कार्य निर्धारित किया, तो इसकी जो मुख्य पीठ है इलाहाबाद में, उसका खंडपीठ लखनऊ में स्थित है। बी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद निम्न में से कौन उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर जिले में पाए जाते हैं, तो मिर्ज़ापुर में क्या पाया जाता है, तो डोलामाइट, संगमरमर, चूना पत्थर। डोलामाइट, संगमरमर, इसका सही जवाब सी हो जाएगा। चूना पत्थर, डोलामाइट, संगमरमर, ये उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर में पाया जाता है। निम्न में से कौन बाघ अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में है, तो उत्तर प्रदेश में दुधवा, अमनगढ़, पीलीभीत, ये है। इसमें आपका ये आपका कान्हा वाला है, ये उत्तर प्रदेश, कान्हा, अमनगढ़, बांधवगढ़, ये उत्तर प्रदेश में नहीं है। बांदीपुर कर्नाटक में है, रणथंभौर राजस्थान में, बांदीपुर कर्नाटक, तो ये तीन ऑप्शन वैसे अपने आप कट जाएंगे। चौथा ऑप्शन बचेगा द्रव्यमान, लंबाई और समय, ये क्या है, किलोग्राम, द्रव्यमान का किलोग्राम, लंबाई का मीटर, समय का सेकेंड, ये सही मात्रक होता, पहला इसका सही जवाब हो जाएगा। परमाणु भार के आधार पर पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे भारी तत्व कौन है, यूरेनियम, 92 U, 235-238 से लिखा जाता, तो ये यूरेनियम है, बाकी सबका कम होता है। औसत की कौन सी शाखा शरीर ऊतक और द्रव्य से संबंधित है, तो ये मेडिसिन, जो बॉडी इसी टिश्यू एंड फ्लूइड से संबंधित है, उसी को पैथोलॉजी के नाम से जाना जाता है, सी आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सी विधि सतह और पिंड के मध्य घर्षण को बढ़ाने के लिए उचित है, तो सतह को खुरदरापन ज़्यादा कर दो, अपने आप घर्षण बढ़ जाएगा। बाकी तो ये घर्षण को कम करने के उपाय हैं, रोलर का इस्तेमाल करना, बाल बेयरिंग का इस्तेमाल करना, स्नेहन, इसी को लुब्रिकेशन कहा जाता है, ग्रीस इत्यादि को लगा देना। सरोते की कार्य प्रणाली निम्नलिखित में से किस प्रकार की उत्तोलक का काम करती है, सरोता जो होता है, एक क्लासिक की एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा, ये आपका सेकंड आलंब, और इसमें तीन चीज़ें होती हैं, तो इसका डिटेल नहीं बताएंगे, नहीं लंबा वीडियो बनेगा। तो सेकंड इसका जो क्लास का लीवर ये होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ज़्यादा खट्टे फल, स्ट्रॉबेरी और आलू में पाया जाता है, विटामिन सी, खट्टे फलों में विटामिन सी पाया जाता है। अगला, बिलियन फर्स्ट सेकंड थर्ड में लिटमस पेपर परीक्षण किया गया, अगर लाल हो गया तो लाल, जब नीला लिटमस पेपर लाल हो जाए तो अम्ल है, अम्ल, यहाँ लाल, अम्ल में अंत में ला आ रहा, अगर अम्ल अम्ल है, लाल हो जाए तो अम्ल है, अगर नीला हो जाए तो क्षार है, अगर कोई रंग परिवर्तन न करे तो वो क्या है, बिलयन, उदासीन है। समझ में आ गई, लाल हो गया इसका मतलब ये अम्ल है, पहला विलयन अम्ल है, दूसरा क्षारी है, नीला हो गया, और तीसरा उदासीन, यानी पहला ही इसका सही जवाब है। अगला, उत्प्रेरकों के बारे में कौन सा कथन सही है, ये अभिक्रिया की दर बढ़ा देते सही है, ये अभिक्रिया के अंत में स्वयं को बदल लेते नहीं, प्रकाश को उत्प्रेरक नहीं माना जा सकता, गलत, एंजाइम जैविक उत्प्रेरक का काम करते, सही बात है। तो एक और, ये स्वयं क्रिया में, ये स्वयं क्रिया में भाग तो नहीं लेते, क्रिया की दर को बढ़ा देते, उसी को एंजाइम कहा जाता है। तो जो एंजाइम जैविक उत्प्रेरक भी होते हैं, तो ये आपका दो, एक और चार इसमें सही हो जाएगा, बाकी गलत हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा अकशेरुकी प्राणियों का उदाहरण है, तो इसमें आपका केचुआ और जोंक क्या है, अकशेरुकी है, इन वर्टिब्रेट एनिमल्स पाया होता है। अगला है, मस्तिष्क का कौन सा भाग अलग अलग कार्यों के लिए जिम्मेदार होता है, जैसे हलचल है, स्पर्श है, दृष्टि, श्रवण और विचार, जो जिम्मेदार होता है उसी को कोर्टेक्स के नाम से जाना जाता है। यदि ट्रांसफर के प्राथमिक कुंडलन में तार का घुमाव द्वितीय कुंडलन की तुलना में ज़्यादा होता है, तो इसका मतलब है कि प्राथमिक की तुलना में द्वितीय पर आउटपुट वोल्टेज कम होता है, आउटपुट वोल्टेज कम होता है, इसके परिणाम स्वरूप धारा इंक्रीज हो जाती है, इसका डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। जब मुक्त रूप से गिरता हुआ स्काई डाइवर उसके हाथ और पैर फैलाता है, तो उसके गिरने की चाल पर तुरंत क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके यानी क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इसमें क्या होगा, कर्षण, गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होने के कारण उसकी चाल घट जाएगी, इसको आप कर लीजिएगा। अगला, एलेक्स कहता है यदि चंद्रमा का द्रव्यमान उसके वर्तमान द्रव्यमान से दुगुना होता तो पृथ्वी और चंद्रमा के मध्य का बल दुगुना होता है। ट्रेस कहती है चंद्रमा पृथ्वी से आधी दूरी पर है होता तो गुरुत्वाकर्षण बल चार गुना होता, तो दोनों की बात आपकी क्या है, सही है। तो इसमें एलेक्स और ट्रेसी दोनों सही हैं, इसको आप निकालोगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर भारतीय धर्म है, तो गैर, आप देखते हो कि भारत में तीन बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म, ये भारत के प्राचीन काल से रहे हैं, जबकि यहूदी ये भारत का भारतीय धर्म नहीं है, गैर भारतीय है। चंद्रगुप्त के मंत्री कौटिल्य उनके महान ग्रंथ के कारण प्रसिद्ध हुए, कौटिल्य का अर्थशास्त्र आप जानते हो, कौटिल्य को ही चाणक्य के नाम से जाना जाता है, इन्होंने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी जो कौटिल्य के प्रशासन
चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन से संबंधित है व इसमें विदेश नीति पर बहुत अच्छा प्रभाव डाला गया है। पानीपत का प्रथम युद्ध निम्नलिखित में से किनके मध्य हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध आपको पता ही है कि एक तरफ कौन था बाबर और दूसरी तरफ कौन था इब्राहिम लोदी। 1526 में पानीपत का युद्ध हुआ था जिसमें बाबर की जीत हुआ, इब्राहिम लोदी की हार हुई। विजयनगर के सबसे प्रसिद्ध शासक कृष्णदेव राय संगम सालू तुलू अरबीडू ये चार का एक क्रम होता है। संगम सालू तुलू और उसके बाद चौथा जो है वो अराबीडू। अगर ये आर्डर पूछे इनमें जो तुलु वंश होता है इसी तुलु वंश के कौन होते हैं? कृष्णदेव राय। निम्नलिखित में से किसे प्रारंभिक भारतीय पुरातत्व की मुख्य अवधियों के घटनाक्रम के अनुसार क्रमबद्ध किया गया? तो सबसे पहले पूरा पाषाण काल आएगा, फिर मध्य पाषाण काल, फिर नव पाषाण काल, फिर हड़प्पा संस्कृत। 20 का सही जवाब हो जाएगा। 15वीं और 16वीं शताब्दी के दौरान वाणिज्यिक व्यापार के लिए आमतौर पर हुंडी का इस्तेमाल किया जाता था। हुंडी का तात्पर्य क्या होता था? इसे बिल ऑफ एक्सचेंज, विनिमय पत्र के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। और सेम यही क्वेश्चन 2020 के IAS प्रीलिम्स में पूछा गया था, तो सेम क्वेश्चन आया, भाषा भी यही थी, तो इसी को बिल ऑफ एक्सचेंज के रूप में हुंडी का इस्तेमाल किया जाता था। तो आप क्वेश्चन पेपर सब सॉल्व किया करिए, कहीं ना कहीं उसका आपका फायदा मिल जाता है। निम्नलिखित में से किसे लोकप्रिय रूप में प्राचीन भारत के नेपोलियन? तो प्राचीन भारत का नेपोलियन बीना बजाने का जो प्रेमी था जिसका नाम था समुद्रगुप्त, इसको कहा जाता है। अगला, गुजरात समुद्र तट पर स्थित प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर को कई बार लूटा वो लूटने वाला महमूद गजनवी था। अगला, सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है या इसी को मुद्रा शास्त्र के नाम से जाना जाता है। बंगाल में 1700 के उत्तरार्ध में स्थापित सत्ता शासन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? अर्थात इसको जरूर ध्यान रखिए, गोला कर लीजिए। कंपनी के राजस्व के भुगतान की जवाबदारी जमींदारों की थी? नहीं, ये वाला आपका गलत है, बाकी सही। गांव के रैयत जमींदारों को किराया देते थे, सही। जोतेदार अन्य रैयतों को कर्जा देते थे, उनकी उपज बेचते थे। रैयत गांवों में राजस्व मांग को बांटते थे, ये आपके सही है। अगला, 1885 में स्थापित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले जो अध्यक्ष थे ब्योमेश चंद बनर्जी थे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। और इसका पहली अध्यक्षता कहाँ? बम्बई में इसकी प्रथम अध्यक्षता की गई थी, गोकुलदास संस्कृत कॉलेज था वहाँ पर हुई थी। निम्नलिखित स्थानों में से गदर आंदोलन सैन फ्रांसिस्को जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में था 1913 में शुरू हुआ था, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला, 1853 में भारत में प्रथम बार रेल ट्रेन चलाई जाती है और किसके बीच? मुंबई व ठाणे के बीच चलाई जाती है, मुंबई व ठाणे के बीच चलाई जाती है और कितने 34 किलोमीटर चलाई जाती, तो बॉम्बे से ठाणे हो जाएगा, इसका पहला आंसर हो जाएगा बॉम्बे से ठाणे, गलत लग गया था। लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति का इस्तेमाल किया गया, तो झांसी राज को हड़पने के लिए इसके अंतर्गत इसका किया गया था, तो इसके अंतर्गत सजस बहुजन यानी सतारा को सबसे पहले डलहौजी की व्यवगत नीति के अंतर्गत यानी हड़प्पा गया था इसको, उसके बाद जैतपुर को, उसके बाद संभलपुर को, उसके बाद बघाट को, उसके बाद उदयपुर को और उसके बाद झांसी को और सबसे लास्ट में नागपुर को इसको हड़प लिया गया था। और सबसे लास्ट में 1856 में अवध को कुशासन आउट्रम की रिपोर्ट के आधार पर अवध को कुशासन का आरोप लगा के उसको भी मिला लिया गया था, तो इस वाले का आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प महात्मा गांधी के दांडी मार्च के उद्देश्य से बिल्कुल नहीं संबंधित था? तो इसका आंसर डी वाला, क्योंकि विदेशी कपड़ों का बहिष्कार 1905 में 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत होती है। अब ये डेट आपको ध्यान रखना चाहिए क्योंकि इसी 7 अगस्त को 2015 से नेशनल हैंडलूम डे के रूप में मनाने की भी शुरुआत की गई है, तो स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत होती 7 अगस्त 1905 को और इसी में विदेशी कपड़ों की होली जलाई जाती, बहिष्कार किया जाता है, इसलिए इसका संबंध दांडी मार्च से बिल्कुल नहीं है। कांग्रेस के नरम दल और गरम दल समूहों के बीच विभाजित हो जाने के बाद निम्नलिखित में से किस नेता को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नरम दल का भाग माना जाता? लाल बाल पाल या गरम दल के थे, तो इसको काट दीजिए, लाल हो गए, पाल हो गए, बाल हो गए, तो गोपाल कृष्ण गोखले, ये क्या बचेंगे? 20 का सही होगा, ये नरम दल के थे। निम्नलिखित में से अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सैयद अहमद खान के द्वारा
की गई थी 1875 में मोहम्मदम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ में स्थापित हुआ था। तो ये इसका आंसर डी हो जाएगा। भारतीय सुधारकों द्वारा आरंभ किए गए सीधे आक्रमण से प्रभावित होकर निम्नलिखित में से किसने सती प्रथा के उन्मूलन का नेतृत्व किया था? वो थे राजा राम मोहन राय। और राजा राम मोहन राय के प्रयासों से 1829 में सती प्रथा का अंत किया गया था। बंगाल रेगुलेटिंग एक्ट आया था और उसके जो उसका 17 नियम नंबर 17 से इसको प्रतिबंधित किया गया था। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस सत्र में दादा भाई नौरोजी ने स्वसरकार या स्वराज की मांग की थी? तो कलकत्ता के अधिवेशन में मांग की गई थी। अगला, इनमें से माउंट बेटन योजना के मुख्य बिंदु कौन से थे? तो इसमें कौन से थे? तो पंजाब और बंगाल विधानसभाएं विभाजित के साथ स्वतंत्रता के लिए मतदान करने हेतु हिंदुओं और मुसलमानों के दो समूह मिलेंगी। सही बात है। सिंध पाकिस्तान का भाग होगा। गलत है। ये भी गलत है। लास्ट वाला, ये वाला, ये सही है। विभाजन होने पर दो स्वतंत्र देश और दो संविधान सभाओं का निर्माण किया जाएगा। तो पहला और चौथा इसमें सही है, बाकी गलत हैं। इसको आप आराम से रीड कर लीजिएगा। पारंपरिक फुलकारी कढ़ाई शैली कल्चर चूंकि आपके सिलेबस में भी है और क्वेश्चन पूछे भी गए हैं, सिलेबस भी अभी हमने आपको डिस्कस किया था, तो जो फुलकारी कढ़ाई शैली होती है पंजाब की है। कहाँ की है? पंजाब। इसका आंसर सी हो जाएगा। कलमकारी आंध्र प्रदेश की है। निम्नलिखित में से कहाँ लोकगीत की एक शैली रागिनी, रागिनी ये आपका पश्चिमी यूपी व हरियाणा में होता है, किसी देश के आंतरिक देश के भीतर उत्पादित सभी तैयार माल और सेवाओं के एक वर्ष में मापे गए बाजार भाव को क्या कहा जाता है? तो यहाँ देखिएगा, सभी तैयार माल और सेवाओं के एक वर्ष में मापे गए उत्पादित, सभी तैयार माल और सेवाओं के एक वर्ष में मापे गए, इसी को क्या कहा जाता है? इसी को उत्पादन लागत पर जीडीपी कहा जाता है। इसका बी आंसर हो जाएगा। औसत उपभोग प्रवृत्ति क्या है? तो ये प्रति इकाई आय पर उपभोग को क्या कहा जाता, औसत उपभोग प्रवृत्ति कहा जाता है। तो इसका बी आंसर हो जाएगा। सिल्क रूट के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो सिल्क रूट जो प्राचीन काल में जाता था भारत से होकर के जो यूरोप तक, तो उसी को प्राचीन सिल्क रूट के नाम से जाना जाता था, जो आज वन बेल्ट वन रोड के रूप में चाइना विकसित कर रहा है। तो यहाँ तीसरे स्टेटमेंट को रीड करिए, सिल्क रूट पूर्वी पश्चिमी उत्तरी और दक्षिणी सिल्क रूट में बटा था, बिल्कुल गलत है। ये गलत है तीन वाला, तो तीन जहाँ जहाँ उसको काटी, एक कटा, सीधे आंसर मिल गया ये वाला। इसका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला, सूफीवाद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? वे संगीत और उपदेशों के जरिए आध्यात्मिकता का प्रचार करते थे। सही है। सूफी उनके धार्मिक दृष्टिकोण में बहुत ही रूढ़िवादी होते थे। ये गलत है। तो दो को काटिए, एक गया, तो सीधे आंसर आपको मिल गया डी वाला। बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन यहाँ पूछा गया। सूफी धार्मिक संप्रदाय या सिलसिला में संगठित होते थे। सही है। कई सिलसिले इसमें रहे हैं, जैसे चिश्तिया संप्रदाय, उसके बाद इनसे पीरी मुरीदी परंपरा का आरंभ हुआ। ये भी बात सही है। प्रदत्त समयावधि में वस्तुओं के निर्यात के मूल्य और आयात के मूल्य के मध्य के अंतर को क्या कहा जाता है? तो इसी को दोस्तों किस नाम से जाना जाता, भुगतान संतुलन के नाम से जाना जाता है। इसी को बैलेंस ऑफ पेमेंट के नाम से जाना जाता है। चूँकि इसमें वस्तुओं के निर्यात हुआ, आयात के मूल्य का अंतर पूछ रहा, तो ये भुगतान संतुलन के नाम से जाना जाता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट। अगला, भारत किस क्षेत्रीय और वैश्विक आर्थिक समूह का मेंबर है? तो ये G7 का भारत नहीं है। आसियान में म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, मलेशिया, कंबोडिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, ब्रुनेई, ये इतने देश आपके जी आसियान के देश हैं। यूरोपीय संघ में भी नहीं है, तो इसका G20 में इंडिया मेंबर है। भारतीय रक्षा बल के सुप्रीम कमांडर कौन होते हैं? तो ये होते हैं भारत के महामहिम राष्ट्रपति, तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर होते हैं। अगला, ये बात किसने, क्या संविधान में बोली गई? बिल्कुल बोली गई है। अनुच्छेद आप 53 का अध्ययन करोगे तो ये आपको पता चलेगा। संविधान का उल्लंघन करने के लिए महाभियोग प्रक्रिया अनुच्छेद 61, और 61 में किसके ऊपर महाभियोग चलाया जाता है? भारत के राष्ट्रपति पर। आगे, राजकोषीय घाटा क्या है? तो ऐसी स्थिति जहां सरकार की आय और कर प्राप्तियां उसके व्यय की पूर्ति करने में विफल हो जाती हैं। अगला, सामान्य मूल्य
स्तर में निरंतर वृद्धि, राजस्व घाटे की पूर्ति के लिए सरकार द्वारा उधार ली गई धनराशि, विनिमय दर में गिरावट जिससे अन्य मुद्राओं की तुलना में मुद्रा मूल्य घट जाता तो ये आपका मूल्य क्या डिप्रिसिएशन कहलाता। सामान्य मूल्य स्तर में निरंतर वृद्धि मुद्रा स्फीति कहलाती है। तो दो ऑप्शन तो हमने काट दिए। ऐसी स्थिति जहां सरकार की आय और कर प्राप्तियां उसके व्यय की पूर्ति करने में विफल हो जाती तो उसी को क्या कहा जाता, राजकोषीय घाटा कहा जाता है। पहला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला, भूक्षरण में निम्न में से कौन सा कारक योगदान देते हैं? तो इस जहाँ जहाँ केवल दिखे ऑप्शन, चूँकि भू क्षरण में कई कारक जिम्मेदार होते तो केवल वर्षा और निर्माण जैसी मानवीय गतिविधियां ये आंसर नहीं हो सकता। केवल निर्माण और मानवीय गतिविधियां और पशुओं का अतिचारण केवल वाला ऑप्शन आपको निपटा देना है और जिसमें कई शामिल हो उसी को लगाना है। तो निर्माण जैसी मानवीय गतिविधियां, पशुओं का अतिचारण, वर्षा और हवा, ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिए, औद्योगिकी और हॉर्टिकल्चर और फ्लोरिकल्चर पुष्प उत्पादन के लिए इनमें से किस क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित नहीं किया जाता था? तो सीड फार्म्स, उसके बाद प्रमोटिंग सस्टेनेबल एक्वाकल्चर प्रैक्टिसेज, संधारणीय मत्स्य पालन की कार्य प्रणालियों को बढ़ावा देना, मधुमक्खी पालन, और उसके बाद फिर आपका है ऊतक संवर्धन प्रयोगशालाएँ। अब इसमें आप बताइए, तो इसमें आपका हॉर्टिकल्चर और फ्लोरिकल्चर पूछ रहा है, तो इसमें आपका किस पर ध्यान नहीं दिया जाएगा? तो इसमें आपका ये वाला होगा, उसके बाद बी सीड फार्म्स। तो यहाँ देखिए, हो आपकी हॉर्टिकल्चर बागवानी भी है, फ्लोरी फूल वाला भी है, तो इसमें कौन अलग है? तो ये आपका क्या अलग हो जाएगा, इसमें मधुमक्खी पालन अलग हो जाएगा, बी कीपिंग। अगला, सरफेस मल्चिंग निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? यांत्रिक और कृषि विज्ञान, मृदा तथा जल संरक्षण का। अगला, सरफेस मल्चिंग ये किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो ये मृदा क्षरण को रोकने के लिए, मृदा अपरदन को रोकने के लिए किया जाता, पहला ही सही जवाब हो जाएगा, यांत्रिक और कृषि विज्ञान, मृदा तथा जल संरक्षण में। सब्सिडी का उद्देश्य क्या होता है? किसानों का लाभ बढ़ाना, उत्पादकता बढ़ाना सही, तकनीक को बढ़ाना सही, और संरचनात्मक विकास करना, निर्यात को बढ़ाना सही। तो इसका आंसर देखो कौन कौन हो जाएगा, 1 2 3 4, 1 2 3, एक कटा 1 2 3 4, और उसके बाद पांचवा क्या है, किसानों का लाभ बढ़ाना, ये इसका उद्देश्य नहीं होता। तो 1 2 3 4 इसका सी आंसर हो जाएगा। अगला, यथा मूल्य कर, इसी को एड ओलेरम टैक्स के नाम से, यथा मूल तथा कर के नाम से जाना जाता, जैसा यानी मूल्य है वैसा उस पर कर लगेगा। तो ये आपका देख लेते हैं, बाजार में लिए जाने वाले मूल्य पर कर लगाना, उत्पादित आउटपुट के स्तर पर ध्यान दिए बिना उत्पादकों पर कर लगाना, उत्पादित उत्पादन की इकाइयों पर लगान के रूप में लगाया जाने वाला कर, उसके बाद फिर उत्पादकों की आय पर कर लगाना, ये आपका गलत है। उसके बाद ये वाला गलत है, उत्पादन लागत की इकाइयों पर लगान के रूप में इसमें टैक्स नहीं लगाया जाता है। उसके बाद उत्पादित आउटपुट के स्तर पर ध्यान दिए बिना, नहीं ये भी गलत। तो ये पहला सही है, बाजार में लिए जाने वाले मूल्य पर कर लगाना, यानी ये जैसा मूल्य होता वैसा कर इसमें लगाया जाता है। अम्लीकरण और नाइट्रेट निचालन क्या है? तो ये मृदा में रसायन के रिसाव की प्रक्रिया। पहला, ऑक्सीजन में कमी जिससे मछलियों की संख्या और प्रजातियों की विविधता घटती है। तीसरा, नाइट्रिक एसिड गैस उत्सर्जन के संदर्भ में हवा की गुणवत्ता पर स्पष्ट प्रभाव। अकार्बनिक उर्वरक के निर्माण के लिए प्राकृतिक गैस। तो अम्लीकरण और नाइट्रेट में क्या होता है, रसायन के रिसाव की प्रक्रिया मृदा में होती है। तो इसका बी सही जवाब हो जाएगा। इनमें से किस उपाय का पर्यावरण पर बुरा असर पड़ेगा? तो इसमें देखिए, देखो ये तो सब हैं, वाटरशेड आधारित प्रबंधन प्रणाली, मृदा संरक्षण की तकनीक, संसाधन संरक्षण तकनीक ये भी है, टंकियों के जरिए जल संचय ये भी है, लेकिन जुताई से मृदा पर बुरा असर पड़ता है, मृदा क्षरण ज़्यादा होता है। किसी भी निर्धारित पंक्ति पद्धति के बिना एक ही समय में दो या दो से अधिक फसलें उगाने की विधि को क्या कहा जाता, इसी को क्या कहा जाता है, मिक्स्ड क्रॉपिंग। दो या दो से अधिक फसलें उगाना ये मिक्स्ड क्रॉपिंग कहलाता है, इसी को मिक्स्ड क्रॉपिंग कहा जाता है। आगे आइए, बहुत अधिक सिंचाई और खराब जल निकासी का निम्नलिखित में से क्या प्रभाव पड़ता? तो जल भराव होता, मृदा लवणता होती, सही से भू जल स्तर कृत्रिम रूप से बढ़ जाता है, सही है, इससे पौधों की जड़ों को पर्याप्त ऑक्सीजन मिलने में रुकावट आती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3 4, सभी इस पर प्रभाव पड़ता है।
अगला परिरेखा खेती, परिरेखा पट्टीदार, इसी को कंटूर कल्टीवेशन, कंटूर स्ट्रिप क्रॉपिंग, मिक्स्ड क्रॉपिंग एंड टिलेज आर एग्जाम्पल्स ऑफ कुछ किससे संबंधित ये हैं, तो ये सब प्रयोग किससे किए, किसके संबंध में है, यांत्रिक और कृषि विज्ञान मृदा और जल संरक्षण की विधियाँ, यानी बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन सीधे एनसीईआरटी से उठाए गए हैं। अंतर खेती की सफलता के लिए आदर्श रूप से इनमें से किन अवस्थाओं की पूर्ति की जानी चाहिए, तो इसमें जो चौथा है ये स्टेटमेंट रीड करिए कि घटक फसलों की परिपक्वता में कम से कम 120 दिन का अंतर होना चाहिए, गलत है। और चार को काटोगे एक कटा एक कटा एक कटा, तो सीधे आंसर क्या हो जाएगा, एक दो तीन, एक दो इसमें सही है कि बोई गई अलग अलग फसलों में धूप के लिए प्रतिस्पर्धा न्यूनतम होनी चाहिए, दूसरा बोई गई फसलों के मध्य पूरकता विद्यमान होनी चाहिए, और तीसरा घटक फसलों के लिए चरम पोषकता मांग का समय एक नहीं होना चाहिए। इसी को इंटरक्रॉपिंग के सक्सेसफुल के लिए जरूरी माना जाता है। अगला, घुन और केचुए जैसे अन्य जीवों के अपशिष्टों या मृत शरीर को खाने वाले जीवों को क्या कहा जाता, इसी को डेट्री टीओर्स के नाम से जाना जाता, अपराध भोजी के नाम से जाना जाता है। अगला, निम्नलिखित में से किस मृदा की ढुलाई गुरुत्वाकर्षण द्वारा होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा मिश्रोरक मृदा, या इसी को कोलिवियम सॉइल के नाम से जाना जाता, बी आंसर सही हो जाएगा। भारतीय जनसांख्यिकी परिवर्तन के सभी चरणों से सफलतापूर्वक गुजर चुका है और अब व्यापक रूप से माना जाता है कि भारत एक ऐसे अंतिम चरण में पहुँच गया जिसमें साधारणतः क्या, तो इसमें प्रजनन शक्ति फर्टिलिटी रेट इसमें एक कमी आती है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शहरीकरण की समान विशेषता नहीं है, तो शहरीकरण में उच्च गुणवत्ता के जीवन की गारंटी, ये इसकी आपकी क्या है, कोई इसमें इसकी गारंटी नहीं है, होती है कि वहाँ पर उच्च गुणवत्ता के जीवन की गारंटी होगी ही, बल्कि आगे अन्य ऑप्शन पर विचार करते हैं। कृषि सेवाएं और उद्योग जैसे व्यवसाय में स्थापन होता, ग्रामीण से शहरी केंद्रों में आबादी का स्थानांतरण होता, कृषि से उद्योगों में स्थापन होता, सही है, लेकिन पहला वाला शहरीकरण की गारंटी नहीं है। इनमें से कौन से गरीबी से प्रेरित प्रवासन के नकारात्मक सिंड्रोम बल हैं, अभी हमने आपको समझाया केवल वाले ऑप्शन काटते जाना ही आंसर नहीं होगा, आंसर होगा LPG, यानी वैश्वीकरण, उदारीकरण, निजीकरण इसका आंसर हो जाएगा। अगला, एक पारिस्थितिकी तंत्र की खाद्य श्रृंखला में जीवों के अंतिम समूह बैक्टीरिया और कवक होते, जिन्हें अपघटक, बैक्टीरिया कवक जहां आ जाए इन्हीं को डीकम्पोजर अपघटक के नाम से जाना जाता है, इसका आंसर हो जाएगा ए वाला। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या की वृद्धि दर के कार्य हैं, तो हमने अब कहा कि केवल वाला ऑप्शन तो निपटाई देना है, ये आंसर नहीं होगा, आंसर होगा प्रजनन, मृत्यु दर और प्रवासन, डी इसका सही जवाब होगा। अगला, चारण खाद्य श्रृंखला के अति सरलीकृत कॉन्सेप्ट में सर्पों को किस रूप में वर्गीकृत किया जाता है, तो इसी को द्वितीयक मांसाहारी के नाम से सांप को जाना जाता है, सेकेंडरी कार्निवोर के नाम से जाना जाता है। अगला, भारत में शहरीकरण की मूल विशेषताओं को इस तरह उजागर किया जाता है, तो उसमें देख लेते हैं कौन कौन है। नंबर एक, बस्तियों में बहुत ज़्यादा वृद्धि, सही है, औद्योगिकरण और प्रबल आर्थिक आधार, ये नहीं, औद्योगिक और प्रबल आर्थिक आधार नहीं होता है, तो दो को काटिए, दो काटोगे ए गया ए गया, और उसके बाद पहला सही है, उसके बाद इसमें देखिए तीसरा वाला शहरीकरण की खराब गुणवत्ता, और उसके बाद आपका शहरीकरण शहरी अपकर्ष के कारण होता है, अर्बनाइजेशन अकर्ष ड्यू टू अर्बन पुल, ये आपका क्या आंसर हो जाएगा, एक और तीन इसका शहरीकरण में खराब गुणवत्ता है, तो इसका एक और तीन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला, कम घनत्व के क्षेत्र कम वर्षा या कर्कश भूभाग या कठिन जलवायु स्थितियों या इन कारकों के संयोजन से ग्रस्त होते, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में इस प्रकार की अवस्थिति है, तो ये सिक्किम की विशेषता है, जहाँ पर आपकी मृदा कम घनत्व कम वर्षा या कर्कश भूभाग पाया जाता है। निम्नलिखित में से भूरा कार्बन उत्सर्जन कौन सा होता है, ये आपका क्वेश्चन पूछ रहा है, तो ये भूरा कार्बन इसी को ब्राउन कार्बन इमिशन कब होता है, तो इसमें ग्रीन हाउस गैसों का, जलवायु को प्रभावित करने वाली ग्रीन हाउस गैसों का औद्योगिक उत्सर्जन होता है। अगला देखते हैं, हमारे सौर मंडल के किस ग्रह का कोई भी चांद नहीं है, तो बुध और शुक्र दो ऐसे हैं जिसका कोई एक भी चांद नहीं है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर शुक्र हो जाएगा। द सुंदरबन डेल्टा किस राज्य में स्थित है, तो ये आपको पता है पश्चिम बंगाल में स्थित है।
अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश के पड़ोसी देशों की संख्या अधिकतम है? इसका पड़ोसी देश जर्मनी और चीन के साथ सर्वाधिक लगते हैं, इसका आंसर डी हो जाएगा। बवंडर किसे कहा जाता है? तो इसका पहला आंसर हो जाएगा जो घूमती हुई बवंडर, घूमती हुई जो हवाएँ होती कि दार बादलों के साथ, उसी को कहा जाता। इक्वेडोर और पेरू के तट पर अनुदिश कभी कभी समुद्र की सतही जल के गर्म होने क्या कहा जाता? जब जल गर्म होता तो